हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये कांच की बोतल से जो मैंने प्लांटर बनाए हैं, तो ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह के प्लांटर बना करके आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि कांच की सॉस की बोतल तो सभी के घरों में आती हैं और भी बहुत सारी कांच की बोतल आती हैं, तो उनका यूज आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये कांच की बोतल हैं, तो पहले इनको धो करके बिल्कुल एकदम साफ़ करना है, ये रैपर हटा देने हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं कितनी गंदी लग रही हैं। तो आप कहेंगे कि उठा करके इन्हें फेंक दीजिए, इनका क्या क्या करेंगे, लेकिन मैं जो है फेंकूंगी नहीं, मैं इसको पानी से धो करके बिल्कुल एकदम साफ़ करूंगी, और साफ़ करने के बाद फिर इनको हम बनाएंगे प्लांटर। तो देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है फ्रेंड। तो जो हमने धो दिया है, उनको धोने के बाद वो सूख गई हैं, और सूखने के बाद अब हम इनके ऊपर करेंगे कलर। तो कलर कौन सा यूज करती हूँ, सभी लोग आप पूछते हैं कि आप मैम कौन सा कलर यूज करती हैं, तो मैं करती हूँ एक्रेलिक कलर। तो ये मैंने लिया है ब्लैक कलर, और ये ली है एक स्पंज। तो स्पंज के टुकड़े से आप इसके ऊपर कलर कर सकते हैं, क्योंकि जो आप ब्रश से करेंगे तो उसका इतना अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिलेगा, उससे लाइन लाइन बन जाती हैं। अगर आप स्पंज से करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो देखिए, मैंने एक बार ही किया है, दो बार तो किया भी नहीं है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप एक बार करें या दो बार करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स कलर करने के बाद सूखाने के लिए रख दें। जब सूख जाए तो उसके बाद ये देखिए, मैंने फिर से एक्रेलिक कलर लिए हैं और इनके ऊपर हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो मैंने लिया है येलो कलर, और इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से डॉट। डिज़ाइन आपकी पसंद है, आप कौन सा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, किस तरह का बनाना चाहते हैं। तो मैं तो बहुत आसान आसान से डिज़ाइन बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भारी काम मेरे बस की नहीं है। तो ये देखिए, मैंने बहुत हल्के से जो है इस तरह से राउंड सर्कल बना लिए इसके ऊपर, छोटे छोटे से येलो कलर से। तो ये देखिए, दोनों बोतल के ऊपर जो है बना दिए थे मैंने डॉट डॉट। उसके बाद लिया मैंने रेड कलर, और रेड कलर से छोटे छोटे से सर्कल इस येलो के चारों तरफ बना देंगे इस तरह से। तो हल्का सा डिज़ाइन बनाएंगे और देखने में खूबसूरत लगेंगी। तो ऐसा काम कीजिए कि आसानी से आपका हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने रेड कलर से इसकी चारों तरफ इस तरह से डॉट डॉट बना लेंगे पूरी बोतल के। तो फ्रेंड, दोनों बोतल के ऊपर अब होने वाले ही हैं रेड वाले। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कर दिया है पूरे में दोनों बोतल के ऊपर। तो देखिए, देखने में ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है कि और थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसलिए मैंने वाइट कलर लिया, और वाइट कलर से रेड कलर के बीच बीच में एक एक डॉट और लगा दिया इस तरह से। तो ये देखिए, ये और भी ज़्यादा सुंदर लगा। आप चाहें तो और ज़्यादा पास पास बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा दूर दूर बनाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बदल गया ना लुक। तो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाया, और ये मेरे प्लांटर बन करके तैयार हो गए। तो दो प्लांटर मैंने ब्लैक कलर के बना दिए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा जूट रोप से इसके जो ऊपर का हिस्सा है, तो इसको भी हम कवर कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने फेविकोल लगा दिया है। फेविकोल लगाने के बाद इसको इस तरह से राउंड राउंड करके घुमा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें लगा लेना है, ज़्यादा मैंने नहीं लगाया है, और कट कर लिया। तो ये देखिए, आराम से लग के बोतल के ऊपर तैयार हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारे दो प्लांटर बनके तैयार हो गए हैं, और इसके अंदर भरेंगे पानी। जब ये सूख जाएगा, पानी भरने के बाद इसमें लगा देंगे हम मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्लांट हमारा पानी और मिट्टी दोनों में हो जाता है, और इसको आप आउटडोर और इंडोर दोनों जगह पर रख सकते हैं। तो दो बोतल ये मैंने अब फिर से ली हैं फ्रेंड्स। ये बोतल मैंने पहले कलर करके रखी हुई थी, लेकिन अब पुरानी हो गई है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको भी नया लुक दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब बनाते हैं, और हम मेरी तो सारी चीज़ें आपने देखी हैं कि बाहर गार्डन में ही रखी रहती हैं, और पानी भी उनके ऊपर डलता है, तो 6 महीने साल भर में चीज़ें ख़राब भी होने लगती हैं, तो उनको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने लिया है ग्रीन कलर का एक्रेलिक कलर। तो दोनों को नीचे के हिस्से जो है निशान लगा करके बराबर एकदम, तो इस तरह से हमें ग्रीन कलर कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों के ऊपर ग्रीन कलर हो गया है, जो ऊपर का हिस्सा है इसके ऊपर कर लेंगे हम रेड कलर।
देखिए स्पंज से ही कलर कर रहे हैं क्योंकि इक्वल होगा, बिल्कुल एकदम अच्छा लगेगा, एक बार में ही जो है कलर हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही रेड कलर था। तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से आप इस तरह से कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बोतल का लुक एकदम चेंज हो गया है और इसके ऊपर भी रेड कलर करेंगे। मैं जो भी प्लांटर बनाती हूँ दो दो बनाती हूँ क्योंकि कहीं पर ऐसा होता है कि हम रख रहे हैं तो दो रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, दोनों साइड में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इसी तरह से मैं ज़्यादातर डबल बनाती हूँ। तो देखिए इस पर भी हम रेड कलर कर देंगे और रेड कलर करने के बाद इसको सूखने के लिए रखेंगे। फिर देखिए अभी बिना ही कुछ किए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए सूखने के बाद इसके अंदर देखिए ब्लैक कलर से इस तरह से आप थोड़ा सा डॉट डॉट लगा देंगे, बिल्कुल एकदम जैसे कि बीज के आकार में, क्योंकि ये बना रही हूँ मैं तरबूज। और ये देखिए नीचे लगा दी हमने ग्रीन के ऊपर लाइन लाइन, तो थोड़ा सा डार्क ग्रीन करके उसके ऊपर आप लाइन लाइन करा लगा देंगे ब्लैक में, रेड ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करके उसके बाद वो थोड़ा सा डार्क बन जाएगा। तो उसकी जो है जब आप इसके ऊपर लाइन करेंगे तो देखने में सुंदर लगेंगी। और नीचे के साइड में ये वाइट कलर लगा दिया है ताकि देखने में ये लगे कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा अलग सा लुक आ जाएगा तो देखने में सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरे दो तरबूज प्लांटर बन जाएंगे और इनके अंदर भी हम पानी भरेंगे और पानी भरने के बाद इनके अंदर भी मनी प्लांट लगा देंगे जब ये सूख जाएंगे। वैसे आप इनके ऊपर अगर आपके पास पॉलिश हो तो पॉलिश भी कर सकते हैं, उससे क्या होता है और ज़्यादा दिन ये चल जाती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं तो नए नए तरह के मैंने कांच के बहुत सारे प्लांटर बना के रखे बोतल के। तो ये देखिए कितने ये मैंने मुर्गा प्लांटर बनाए थे, थोड़ा इनमें भी चेंज किया है अब की बार, पिछली बार इनमें डॉट डॉट थे अब की बार नहीं है। तो ये देखिए कितने सुंदर से मेरे प्लांटर बन के तैयार हो गए और प्लांट भी लग गए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक